द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पाकिस्तान की टीम के भारतीय एयरपोर्ट पहुंचते ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। इस तरह का एक वीडियो इसी दावे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के चलते भारत पहुंच चुकी है और इसी के साथ ही प्रोपोगेंडा भी शुरू हो चुका है, फेक न्यूज का दौर भी शुरू हो चुका है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचती है वैसे ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। अब इस वीडियो का फैक्ट चेक क्या है ये आपको बताते हैं, ये वीडियो कितना सही है और कितना गलत है। सबसे पहले तो आपको वीडियो दिखाएंगे। इस पूरे मामले का भंडाफोड़ जो है वो मोहम्मद जुबैर करते हैं। यहाँ पर मोहम्मद जुबैर जिसने वीडियो शेयर किया है फेक वाला, उसे लताड़ भी लगाते हैं और साथ ही जो असल वीडियो है, जो सही वीडियो है, सच्चा वीडियो है, उसे भी यहाँ पर शेयर करते हैं। सच्चे वीडियो में जो रियल वीडियो है, उस रियल वीडियो में बाबर के जो है वो चारों तरफ बाबर सुनाई देता है, बाबर के जो है वो नारे लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मुर्दाबाद जो है वो आपको सुनाई देगा। अब ये वीडियो गलत है, फेक है और एडिटेड है। आप अपनी स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि ये वीडियो जो है वो रुपेन चौधरी द्वारा एडिट किया गया है, यानी कि रुपेन चौधरी ने इस वीडियो को एडिट किया है और रुपेन चौधरी के ही ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उनके बायो में लिखा है, रुपेन चौधरी के बायो में लिखा है कि मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ, अंजुनाम कश्यप, शहजाद पूनेवाला जैसे लोग जो है वो मुझे फॉलो करते हैं। तो ये तीन चार नाम सुनकर आप इनकी मानसिकता का अंदाजा तो है वो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं कि इनकी क्या मानसिकता है और किस तरह के इनके ख्यालात हैं। अब यहाँ पर मोहम्मद जुबैर ने दो वीडियो शेयर किए हैं। पहला वीडियो फेक है, जो बराबर में उसकी वीडियो है वो रियल वीडियो है, यानी कि असल वीडियो है। अब यहाँ पर पहले आपको फेक वीडियो दिखाएंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम एयरपोर्ट पहुंचते ही मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। वीडियो का सबसे पहला हिस्सा सुनिए जिसमें आपको मुर्दाबाद सुनाई भी देगा। देखिए तो यहाँ पर आपने वो फेक वीडियो का पहला हिस्सा सुना जिसमें आपको पाकिस्तान मुर्दाबाद ऐसा सुनाई दे रहा होगा। हालांकि ये वीडियो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब पाकिस्तान की टीम भारत पहुंचती है तो भारतीयों ने और उनके फैंस ने उनका जमकर स्वागत किया। फैंस उन्हें देखने के लिए बेताब है और चारों तरफ जो है वो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के नाम जो है वो गूंज रहे हैं। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देख कर ही आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो जो है वो फेक है। यहाँ पर वीडियो के दूसरे हिस्से को गौर से देखिए जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो लोगों को देखकर वेव कर रहे हैं, यानी कि हाथ हिला रहे हैं और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पुलिस वाले भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि अगर ऐसा कुछ होता, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां पर लग रहे होते, तो क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां लोगों को देखकर मुस्कुराते, उन्हें देखकर वेव करते, उन्हें कोई रिएक्शन देते? नहीं ना। तो ये वीडियो जो है वो सरासर गलत, फेक और एडिटेड है। देखिए ये फेक वीडियो आप देख रहे थे, अब आपको रियल वीडियो दिखाते हैं जिस रियल वीडियो में कहा जा रहा है कि चारों तरफ जो है वो बाबर की आवाज आपको जो है वो सुनाई देगी। लोग जो बाबर के फैन वहां पर मौजूद हैं वो उन्हें देखने के लिए बहुत बेताब हैं और उन्हें देखकर किस तरह से उत्साह में भरे हुए हैं ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो रुपेन चौधरी ने वीडियो शेयर किया था, वीडियो शेयर करते उन्होंने लिखा था कि एयरपोर्ट पर इन भिखारियों का स्वागत पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों ने किया। ये रुपेन चौधरी ने जो फेक एडिटेड वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को शेयर करते हुए ये सब कुछ इन्होंने लिखा है। यहाँ पर जो रियल वीडियो है, उस रियल वीडियो में लिखा है कि बाबर के नारे जो हैं वो हर जगह आपको सुनाई देंगे। इस वीडियो, इस कैप्शन के साथ इस वीडियो को शेयर किया। वीडियो का यहाँ पर पहला हिस्सा देखिए जिसमें आपको बाबर जो है वो चारों तरफ सुनाई देगा। फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर जो हैं और जो उनके फैंस हैं वो चारों तरफ जो हैं वो बाबर कहकर जो हैं उन्हें पुकार रहे। देखिए वीडियो तो यहाँ
यहाँ पर आपने वीडियो देखा, वीडियो का दूसरा हिस्सा भी आप देखिए जिसमें वो जो है वो देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आपने अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पर वो वही वीडियो मुस्कुरा रहे हैं, पुलिस वाले मुस्कुरा रहे हैं, वो देखकर वेव भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है बाबर बाबर जब कहा जा रहा है, उन्हें जब चैंट किया जा रहा है, उन्हें जब चेयर किया जा रहा है, तो वो रिएक्शन भी दे रहे हैं, वेव भी कर रहे हैं लोगों को देखकर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी ही शर्म और बुरी बात है कि विश्व वर्ल्ड कप जो है वो खेलने यहाँ पर आए हैं और इस तरह से जो है वो कभी उनको गालियां दी जा रही हैं, कभी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, तो कभी इस तरह से फेक न्यूज फैलाई जा रही है, फेक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। अब इससे किन लोगों का फायदा होगा, इससे क्या होगा, किन लोगों के दिमाग में क्या कुछ भरा जाएगा, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। माहौल खराब करने के लिए जो है ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं और किस तरह से जो है वो एडिटेड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर बाकायदा जो है वो शेयर करते हैं। हालांकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो ये वीडियो है, कल कोई दूसरा वीडियो होगा। तो इस तरह से इन लोगों का मकसद ये होता है कि न्यूज को जो है वो गलत तरीके से पेश करना और अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ के जो है उसको लोगों को दिखाना। अब इसी के साथ आपको बता दें कि जब पाकिस्तान की टीम एयरपोर्ट पहुंची और ANI ने इसे लेकर ट्वीट किया, तो ANI के ट्वीट के नीचे कॉमेंट में कई लोग जो है वो पाकिस्तानी टीम को लेकर के उन्हें ट्रोल कर रहे थे, उन्हें गालियां दे रहे थे और कई तरह की बातें कर रहे थे जो हमने आपको पहले ही दिखाया। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों शर्मिंदा करती हैं कि दूसरे देश के जो हैं वो खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आए, हमें उन्हें खिलाड़ी के तौर पर देखना चाहिए। अब वो यहाँ पर खेलने आए हैं और आप इस तरह से अपनी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दूसरे लोग, जो दूसरे खिलाड़ी दूसरे देशों के, वो इन सब चीज़ों को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि इन लोगों के दिमाग में क्या है और किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या इनके शब्द हैं, किस तरह से ये लोग जो है दूसरी टीम जो इनके देश में खेलने आ रही है उनका स्वागत करते हैं, तो उन पर भी असर पड़ता है, चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब पाकिस्तान की एक लड़की सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी, पाकिस्तान की इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, जिसमें वो विराट कोहली की डायहार्ड फैन बताई जा रही थी और जबरा फैन जो है उसकी बताई जा रही थी, विराट कोहली को चेयरअप कर रही थी, बकायदा उसने अपने गाल में इंडिया का जो है वो झंडा भी बनवाया था, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा बनवाया था, तो यही लोग जो है वो सोशल मीडिया पर इसकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे, इसे चेयर करते नहीं थक रहे थे, लेकिन अब यही लोग किस तरह से जो है वो इन्हीं लोगों को ट्रोल कर रहे हैं और किस तरह की बातें और किस तरह की चीजें फैला रहे हैं। हालांकि ये सरासर गलत है, जब पाकिस्तानी टीम जो है वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो उनका भव्य रूप से स्वागत किया जाता है और तमाम वहां पर स्वागत की तैयारियां भी की जाती हैं जो बाकी टीमों के लिए, बाकी देशों की टीमों के लिए की गई, और उनके फैंस भी वहां पर मौजूद रहते हैं, उनके फैंस भी लगातार जो है उन्हें वेव करते हैं, चैंट करते हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो सिर्फ दिमाग में नफरत भरने के लिए, माहौल खराब करने के लिए की जाती हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि जब पाकिस्तानी टीम जैसे ही पहुंची वैसे ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई और ये कमेंट्स हद से ज्यादा नेगेटिव थे। किस तरह से लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी टीम को लेकर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, आप नेगेटिव कमेंट्स जो है अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, किस तरह के कमेंट्स किए जा रहे थे, लगातार भद्दी बातें कही जा रही थी, गालियां दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो दिखाती है कि किस तरह की मानसिकता के लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कितने सभ्य समाज और कितने सभ्य परिवारों से जो है ये लोग आते हैं। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं और जिस तरह से रुपेन चौधरी जैसे लोग वीडियो एडिटेड करके ये भ्रम फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।